dear yes, students in this module we are going to discuss government and state particularly what are the functions of state so the state is a political entity that exercises authority over a defined territory and population the functions of the state can include maintaining order in society providing public goods and services and regulating the economic activity तो चूँकि स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल एंटिटी होती है इसलिए उसका जो दायरा कार या दायराख्तियार होता है वो एक फिक्स या डिफाइंड पॉलिटिकल जोग्राफिक बाउंड्री के अंदर होता है जिसमें वो अपने यूज़ ऑफ अथॉरिटी या एक्सरसाइज ऑफ़ पावर के ज़रिए उस टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों के हवाले से डिसाइड करती है कि लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारेंगे उनकी एक्नॉमिक लाइफ किस तरह की होगी पॉलिटिकल लाइफ किस तरह की होगी उनका एजुकेशन सिस्टम क्या होगा और हती कि ये कि उनके ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके किस तरह के होंगे तो ऑन द होल जो आपकी स्टेट होती है ये आपकी ज़िंदगी को और ज़िंदगी के अंदर मौजूद जितने भी आपके रोज़मर के काम होते हैं उन सबको रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज़ फार्मूलेट करती है द स्टेट कैन टेक मैनी फॉर्म्स रेंजिंग फ्राम डेमोक्रेटिक टू अथॉरिटेरियन एंड कैन बी शेप्ड बाय द वैराटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग कल्चर हिस्ट्री एंड आइडियोलॉजी लाइफ आइडियोलॉजी का इसके अंदर एक बड़ा अहम रोल होता है जैसे कि हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर मबनी है और अगर हम किसी वेस्टर्न कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वो सेकुलर लाइफ आइडियोलॉजी के ऊपर मबनी होता है तो लाइफ आइडियोलॉजी का आपकी पोलिटिकल पॉलिसी के ऊपर एक बड़ा सिग्नीफिकेंट इम्पैक्ट होता है इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो स्टेट इज़ कंसिडर्ड रिस्पांसिबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शनस इंक्लूडिंग डिफेंस लॉ इन्फोर्समेंट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर तो ये सारे फंक्शंस जो कि स्टेट को परफॉर्म करने होते हैं हम जब भी इन चीज़ों के अंदर मसाइल का जिक्र करते हैं और लोगों से इस हवाले में इस हवाले से दरियाफ्त करते हैं कि आप किस को अपने इन मसाइल का जिम्मेदार ठहराते हैं तो ऑबियसली उनका जो मेजोरिटी का एक जो रिस्पांस होता है वो यही होता है कि इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट या स्टेट है द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सिविल सोसाइटी इज़ कॉम्प्लेक्स विद टेंशन बिटवीन टू ऑफ्टन आरइजिंग ओवर क्वेश्चन ऑफ पावर लेजिटमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी तो स्टेट और जो सिविल सोसाइटी है उसके दरमियान हमेशा एक टसल या एक कॉन्फ्लिक्ट की सी सिचुएशन रहती है लोग जो हैं वो अक्सर एहतजाज करते हैं इस हवाले से कि गवर्नमेंट को जिस तरह का मैंडेट स्टेट ने प्रोवाइड लोगों ने प्रोवाइड किया था उस तरह से जो स्टेट है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर पा रही है इस वजह से एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी के दरमियान रहती है अंडरस्टैंडिंग द फंक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टेट इज़ असेंशियल फॉर एनालाइजिंग द पोलिटिकल सिस्टम्स एंड देयर इफेक्ट्स on individuals and societies. So as a social scientist, the study of state requires a multidisciplinary approach incorporating the perspectives from sociology, political science, and economics. And most of the scholars have debated the nature of the state and its relationship to other social phenomena such as culture, economics, and power. So if we want to understand the state and its functions, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत देखना होगा सिर्फ हम सोशोलॉजिकल लेंस से उसको नहीं देख सकते हमें उसको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा और फिर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा कि आखिर इस स्टेट की जो रूट्स हैं हिस्टोरिकल रूट्स हैं वो क्या हैं और ये किस तरह से एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस तय करके इस स्टेज तक पहुँची है

ये देखना होता है कि क्या स्टेट के जो फंक्शंस uh, हैं वो एडिकेटली इस गिवन कॉन्टेक्स्ट के अंदर परफॉर्म किए जा रहे हैं या नहीं परफॉर्म किए जा रहे हैं इन एडिशन टू डैट जो एक इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट की एक टसल होती है उसको भी देखना होता है उसको भी एनालाइज करना होता है कि क्या स्टेट और इंडिविजुअल के अंदर मौजूद जो एक मेजर गैप है दैट हाउ एन इंडिविजुअल इज़ प्रिसविंग द फंक्शन ऑफ द स्टेट उसको किस तरह से मिटिगेट किया जा सकता है बाय एनालाइजिंग द कम्पलेक्सिटीज़ ऑफ द स्टेट वी गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़ नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ क्लैक्टिव एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देखना है कोलेक्टिव एक्शन को देखना है और ये ख़ास तौर पर इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर नजर आती है तो इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू कि आप किसी भी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी जो लोगों के हवाले से बनाई गई है उसका कंटेंट एनालिसिस कर सकें और उसको देख सकें कि क्या वो पॉलिसी जो है वो इंडिविजुअल के या कलेक्टिव हमारी जो कलेक्टिविटी है उसके राइट्स को इंश्योर करती है या नहीं करती